छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार भी रायपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां की सरकार ने 7 लाख आवासीय परिवारों को आवासहीन किया। 60% पैसा केंद्र सरकार देने को तैयार था लेकिन राज्य सरकार ने नहीं दिया, उनको काम नहीं करना चाहिए है। और उन्होंने साथ ही कहा कि काम नहीं उनको नाम करना चाहिए और कांग्रेस सरकार यहां की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है। तो खुज्जी विधायक के साथ सुरक्षा नहीं है, यहां का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बहुत खराब है। मैंने तो प्रेस करने के जो मुद्दा सोच के आया, आज यहां पूछने के बाद मैंने अखबार में देखा माननीय मुख्यमंत्री ने 7 लाख आवासीय परिवारों को साधन कांग्रेस का बढ़ाना, ये देखकर मैं आश्चर्य हो गया। ये जरूरत क्यों आज पड़ा है? उनका क्या नाम चाहिए न काम चाहिए, ये उनका पास मेरा प्रश्न है। काम चाहिए न नाम चाहिए।